बस मुझे खुश देखकर जलते रहें, रोते रहें, जो दिल चाहे करते रहें। बहरहाल जी, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि ये सोफ़े हम सेल कर देते हैं और दूसरे सोफ़े अच्छे से परचेज कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी जो फैमिली, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो आप सबके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मेरे पापा के लिए, मेरी सिस्टर के लिए और साथ में मेरे लिए बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी, तो अल्लाह पाक आप सबको भी ढेरों खुशियां दे और कामयाबी दे और साथ में हमें भी, आमीन सुमामी। कह रहे हैं कि ये सोफ़े हम सेल कर देते हैं और दूसरे सोफ़े अच्छे से परचेज कर लेते हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि ये सोफ़े बिल्कुल ठीक हैं और लाइट वेट हैं, तो क्यों ना इन्हें ही रहने देते हैं। बहरहाल जी, घड़ी एक बार फिर ख़राब हो गई। सेल ही ख़राब होते रहते हैं इसके, घड़ी के। फ़ैन बंद किया है तो, वरना फिर आप लोग कहेंगे कितना शोर हो रहा है, घड़ी वहाँ रखी है। तो चलते हैं, इमरान से कहते हैं कि घड़ी के सेल लगाएं। हम साहिबा कर रही हैं मेरे कपड़े प्रेस, और कपड़े प्रेस हो जाएंगे और उसके बाद मैं जाऊँगा नहाने के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लाल दाल। लाल दाल तैयार तो हो गई है, भगार भी कर दिया, बस अब जल्दी से जीरे के चावल बनाऊँगी। तो आज हमें मिलेगा खाना लाल दाल और साथ में जीरे के चावल। जीरे के चावल, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या 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 बनाया है आज के दिन। हमारे यहाँ तो दाल चावल बना है आज। पर ये फेस की क्लीनिंग थोड़ी सी कर दी थी, और ये देखिए जंग और लग रहा है यहाँ पर, पता नहीं ये क्यों लग रहा है, शायद ये जो है ना जालियों में लग जाता होगा अक्सर। मुझे बताइएगा इसका कोई हल हो तो। भाई फ्रिज की क्लीनिंग कर दी गई है सारी फिर हमने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू, और आप सबको इरम रान की जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, और मैं ये कह रही थी कि टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, और नमाज पढ़ के इमरान और फ्रेश होकर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, और अब मैं बिछाने जा रही हूँ दस्तरखान। तो क्या ख्याल है आपका, खाना खाया जाए? खाना खाया जाए, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। चलें तो पहले हम खाना खाते हैं और फिर अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलते हैं। ये दाल तैयार हो गई है आज, और ये चावल, और ये बनाया है हमने सैलेड, और ये रखे हुए हैं। आप भी आ जाए यूट्यूब फैमिली हमारे साथ, इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, जितने भी लोग बैड कमेंट्स करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप लोग बैड कमेंट्स करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस मुझे खुश देखकर जलते रहें, रोते रहें, जो दिल चाहे करते रहें। बहरहाल जी, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। बस मैं जो अपने काम से काम रखना है, क्योंकि जो मेरे साथ हैं वो मुझे यही मशवरा देते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखें और बैड कमेंट्स को इग्नोर करें। आज से मैं यही करूँगी, खूब हंसूँगी, खूब खाऊँगी, पीऊंगी, खूब घूमूंगी फिरूंगी, खूब शॉपिंग करूंगी, जिसे जो करना है कर ले। गर्मी भी आज थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी, और वैसे जुम्मे को अक्सर होती है गर्मी, लेकिन जो है ना आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है। और हमें बड़ा ये था कि अपने व्यूअर्स को हम जरूर दिखाएंगे, और हमारा जाने का हो रहा था क्वेटा। और आपको जैसा कि पता है कि खबरों में भी दिखाया कि वो एक मच्छ के इलाका है जहाँ का ब्रिज जो है ना ब्रेक हो चुका है ट्रेन के लिए, और वो आम तौर पर भी रुक चुकी है, और बसें जो है वो जा नहीं रही क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और जो है ना सैलाब आया हुआ है, तो वो भी कैंसिल हो गया। बस का भी हमारा ये हो गया। अच्छा ठीक है, बाहर का था, बाहर की वजह से लोड इतना चल रहा है कि हमें टिकट्स नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से हम जा नहीं सके थे। जैसे ही मौसम बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टूर हमारा कहाँ है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना यानी हम टूर करें। और जाहिर बात है आप भी हमारे व्लॉग देख रहे हैं, अभी हम हमारे घर के ही देख रहे हैं आप, और इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जैसा कि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी दें कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लाएँ। अच्छा जी, इंस्टाग्राम पर काफ़ी टाइम से एक सिस्टर हैं, उनका नाम है नादिया, तो वो मुझे कमेंट्स कर रही थी, उनसे बार बार यही कह रही थी कि आप जो उम्र में से चार नमाज लेकर आई थी ग्रे कलर की, तो वो मुझे एक बार फिर से दिखा दें, तो उन्हें बहुत पसंद आई थी और वो इस तरह की चार नमाज परचेज़ करना चाह रही हूँ, इस वक्त वो उम्र पड़ी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्र की, और वहाँ आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमारी भी हाज़िरी दोबारा नसीब करे। तो सिस्टर वो ये थी ग्रे कलर की जानमाज जो आपको पसंद आई है, और इन्होंने मुझे इतना सा एसेस भेजा है, एसेस थोड़ा बड़ा तो भेजे ना, मैं गिरे में गिरूँ कौन सी गिरे, फिर मैंने कहा अच्छा ये वाली कह रही है। तो ये जानमाज ऐसी है, बिल्कुल सिंपल सी है, और ये खाने काबा बना है, और बाकी ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है वैसे माशाल्लाह से।
तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और सॉफ्ट भी बहुत है। अच्छा इमरान ये कहाँ की थी? ये मैडन टर्की की है जी, मैडन टर्की। तो ये हमने वहाँ से ली थी, ये ली थी, आए थे हमने मक्का से, हाँ, मक्कातुल मुकर्रमा से। और ये मक्कातुल मुकर्रमा में कबूतर चौक है, वहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पर आप वहाँ विज़िट करेंगे तो आपको जा नमाज़ें मिल जाएंगी जी। अच्छा वैसे जा नमाज की बेस्ट कलेक्शन जो है ना वो मदीने में, मदीने में भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन रखी हुई हैं, मुनासिब पैसों में मिल हाँ, यानी 15 रियाल में तक कम से अच्छी से अच्छी जा नमाज 15 से 20 रियाल बहुत होती है इसे, तो बेहतरीन मिल जाती है। हम लोग लाए थे अच्छी ज़बरदस्त जा नमाजें लेके आए हैं और आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं। और ये एक जा नमाज़ ज़्यादा सिस्टर ने पसंद करी थी, ये खाना काबा की, तो ये जो है ना, और मैंने सोचा था मस्जिद नबी की भी एक लूँ, वो रह गई हमारे से। जा नमाज़ ज़ारी बात है, तो अब बस ये हुआ कि मुझसे वो मिस हो गई, वो मस्जिद नबी वाली में मैं नहीं ले सका, लेकिन आप दुआ करिएगा कि हज में अगली दफ़ा इंशाल्लाह जाऊँ तो मैं वो मदीने की भी लाजमी लेके आऊँ, क्योंकि मक्का की तो आ चुकी है मेरे पास। और जैसे इरम ने यहाँ रखी हुई जा नमाज़ अपने हाथों में, इसी तरह चाहता है कि हम मक्के की भी, ओ सॉरी मदीने की भी, और इस तरह की बनी इमरान बता रहे हैं वो तो बेतहाशा खूबसूरत थी, इतना बड़ा उसके ऊपर मदीना बना था और फुल ग्रीन कलर की, और वो सॉरी फुल रेड कलर की, उसके ऊपर ग्रीन कलर का मदीना था, बहुत ही प्यारा। और ये देखें हमारा मीठा मीठा मक्का सामने जो मैं लेके आया था, और ये मैंने दीवार पे अवेजा करा हुआ है, जब इसे देखते हैं तो बस याद ताज़ा हो जाती है और बिल्कुल आँखों के सामने होता है, मैं इसको रोज़ डेली ही देखता हूँ। तो माशाल्लाह सब दुआओं को, सब के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको जो है ना इस घर की ज्यारत कराए और हज और उमरा करवाए, साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें भी इतना अता करे कि हम भी जो है ना जाएं। इमरान साहब आराम फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हो, दिखाना क्या देख रहे हो ये तुम, ओहो स्नैक है टिकटॉक। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं और मैं सोच रही थी पार्लर जाने के लिए, मगर जो मेरे पास कार्ड है सपना का उसमें जो डीलिंग वगैरह चल रही है वो इस टाइम क्लोज हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी मतलब कार्ड के हिसाब से आना है तो उसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर और दोपहर 2 बजे तक की, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया है तो फिर वो कैंसिल हो गया। अब इंशाल्लाह ताला अगर हो सका तो फिर कल मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि कटिंग वटिंग करवा कर आऊँ, थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह लुक चेंज करा के आऊँ। तो मैं इमरान से मांग रही हूँ पैसे के भी, आप मुझे पैसे दें। अच्छा आप कमेंट करके बताएं कि इरम अपना लुक चेंज करें, और जो हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और कमेंट मेरा साथ दीजिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ही उसी पे होगा है इरम। हाँ जी बिल्कुल। और कटिंग कौन सी करानी है ये भी मैं वहीं जाकर आप लोगों के साथ डिसाइड करूँगी कटिंग में, लेकिन दूसरे पार्लर से करवाऊँगी। और कार्ड में सपना का है मेरे पास तो मैं सपना में ही यूज़ करूँगी। और दूसरा ये कि देखते हैं, अच्छा कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि मैं इमरान से कितने पैसे लेकर चलूँगी। मेरे हिसाब से तो बहुत सारे पैसे देंगे मुझे, ताकि मैं अपना जो है फैशन और ये सब कटिंग वगैरह। अच्छा अभी ये वहाँ सपने का कार्ड लेके आई थी, उसमें उनका चल रहा था पैकेज, 1000 रुपये का कार्ड था तो उसके अंदर कुछ डिस्काउंट चल रहा है जी। तो मेकअप तो फ्री था, कार्ड परचेज करते ही मेकअप फ्री था। अच्छा मैंने कार्ड जिस टाइम परचेज किया था उस दिन मुझे दावत में जाना था, तो मैंने क्या किया कि ना फौरन से कार्ड खरीदा क्योंकि मेकअप फ्री था, मैंने पार्टी मेकअप करवाया और ये जा वो दावत में चली गई थी। बहरहाल जी अब कार्ड में तीन बहुत सारी ऑफर और डिस्काउंट भी हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पर, मगर मैंने कभी सपना से ना कुछ करवाया नहीं, लेकिन कार्ड जो है उसमें मैं मैनीक्योर पेडीक्योर तो लाजमी मैं करवाऊंगी और बाकी कटिंग कहीं और से करवाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कल का क्या सेटअप बैठता है क्या नहीं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी हमारा छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल इरम इमरान लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।